हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सा, जहां पे हम आप सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटेरियल और अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो वीडियो होने वाली है हमारी टैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, इंडिया इज़ अ हब फॉर इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स एंड टैक्सेशन इज क्रूशियल फॉर दोज वर्किंग हेयर। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन्स टैक्स लाइबिलिटी अंडर इंडियन टैक्स लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है या फिर RNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और फिर उनकी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करना। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं कि रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है और RNOR क्या होता है। तो ये चीज़ है, ये बहुत ब्रीफ में है, इसकी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है रेसिडेंशियल स्टेटस टेक्सास, तो हमारे नॉलेज बेस में आप पूरी डिटेल मिल जाएगी कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो घबराइएगा मत, आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, बस आपको हमें सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। तो अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे करंट ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो फिर आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं, और यदि आपका स्पीड ऑफ स्टे करंट ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज से कम है ना, तो आप नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं, और 120 डेज से ज़्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है तो आप RNOR की कैटेगरी में आएंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के बाद ना आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो मेरी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट हूँ तो कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो मेरी ग्लोबल इनकम में, मैं चाहे किसी भी कंट्री में बैठ के कमाऊँ, मेरे को टैक्स इंडिया में भरना ही पड़ेगा। और आप तो सोच रहे हैं कि यार इंडिया में टैक्स भरूँ, बाहर कमाऊँगा तो वहाँ भी टैक्स भरना पड़ेगा, बार बार डबल डबल, बताऊँगा शॉर्टली। ठीक है, अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो मेरी सिर्फ इंडियन इनकम, इंडिया से लिंक होगी कोई भी इनकम है ना मेरी, तो वहाँ पर मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मैं RNOR हूँ तो मेरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी अगर सोर्स्ड इंडिया है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स, सैलरी इनकम टैक्स सिमिलर टू इंडियन रेसिडेंट विद TDS, हाउस प्रॉपर्टी इनकम वो भी टैक्स होगी अगर आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, आपको वहाँ से रेंट आ रहा है, आप नॉन रेसिडेंट हैं। ठीक है, मैं इससे समझ, अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो टैक्सेबल हो गई होगा, मैं कहीं भी कहूँ। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ और मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वहाँ से मैं कोई रेंटल इनकम कमा रहा हूँ तो डेफिनेटली ना तो टैक्स देगा। इंडिया से अगर कोई भी चीज़ लिंक है ना, अगर आप नॉन रेसिडेंट या RNOR हैं तो फिर तो आपको टैक्स पे देना पड़ेगा, और रेसिडेंट है तो फिर तो आग बंद करके सिर्फ टैक्स भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। ठीक है, फॉरेन इनकम है, अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं फॉरेन इनकम भी कमा रहा हूँ तो मेरे को उस पर टैक्स भरना है, तो समझ रहे हो आप, टैक्स भरना ही पड़ेगा आपको। अगर आप रेसिडेंट हैं तो कहीं भी कमाओ, आप कुछ भी कमाओ, आप 10 रुपये कमाओगे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाता है सीन। आजकल टैक्स इतने हैवीली हो गए ना इंडिविजुअल्स पे, और जैसे आप लोग देखेंगे अगर इंडिविजुअल स्लैब रेट 30 तक जाता है, 25-30, फिर उस पर सरचार्ज अगर ज़्यादा कमा रहा है कोई करोड़ में तो उस पर सरचार्ज भी लग जाएगा फिर, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कमा रही है उस पर 25% टैक्स भर रहे हैं वो लोग फ्लैट रेट बस, तो थोड़ा डिस्पैरिटी तो है। कंपनी जो बिजनेसमैन है उनको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टैक्स करना चाहिए, इंडिविजुअल जो कमा रहे हैं अपना घर चला रहे हैं थोड़ा सा, खैर ये डिबेटेबल टॉपिक है। तो कैपिटल गेन टैक्स होगा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में आपने बेची खरीदी है, भले ही आप नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन और रिलीफ मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये ओल्ड डिजाइन में मिलेंगे आपको, अब से न्यू डिजाइन में नहीं मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि न्यू डिजाइन में टैक्स लाइव उन्होंने कम कर दिया है, 75,000 डिडक्शन भी कर दिया सैलरी वालों के लिए, तो वहाँ पर हो जाता है। हाँ, जो चीज़ मैं कह रहा था कि आप अगर रेसिडेंट हैं, आपने बाहर से कोई इनकम कमाई, मान लीजिए आपने US से कोई इनकम कमाई और आप यहाँ पर उस पर टैक्स भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन आपने US से इनकम कमाई और US वालों ने टैक्स काटा होगा ना, तो अगर आपने सपोज 10 लाख कमाए और US में आप उस पर 1 लाख टैक्स भर के आए, अब उस 10 लाख पे आपको दोबारा यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा, डबल टैक्स। तो इसके लिए क्या होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है। अगर मैंने US में कोई टैक्स पे करा है अपनी इनकम पे, मैं रेसिडेंट हूँ तो मैं इंडिया में वो इनकम शो करूँगा, उस पर टैक्स पे करूँगा, लेकिन मैंने जो US में टैक्स पे करा है ना उसका मेरे को रिलीफ मिल जाएगा इंडिया में, जो मैं 1 लाख रुपये US में टैक्स भर के आया था उस 1 लाख का मैं रिलीफ क्लेम करूँगा इंडिया में। ठीक है, उसके लिए मेरे को फॉर्म 67 फाइल करना पड़ेगा और उसमें अटैचमेंट लगानी पड़ेगी 1042S, जो मेरा टैक्स का एविडेंस है जो मैं पे कर गया हूँ US का। ठीक है, तो वैसे मैं फॉर्म 67 में क्लेम कर लूँगा वो रिलीफ और फिर अपनी ITR में वो टैक्स माइनस करके आगे बढ़ूंगा। और आपको कोई भी दिक्कत आए ना फॉर्म 67 के लिए या फिर डबल टैक्स कैसे अवॉइडेंस के लिए कैसे फाइल करते हैं फॉर्म, कैसे ITR जाती है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू।
ठीक है, तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा एक्सपर्ट्स को, यानी कि हमें ऑब्वियसली, फॉर मैक्सिमाइजिंग रिलीज बेस्ड ऑन कंट्रीज ट्रीटी विद इंडिया। तो मजॉरिटी ऑफ इंडिया का, मजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज का इंडिया का DTAA है, ठीक है। तो अगर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है अगर 2.5 लाख से ऊपर है इनकम को, ठीक है, सैलरी इनकम के लिए IT2 जाती है, बिजनेस के लिए IT3 जाती है। एक और मेन पार्ट, अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं बाहर कमा रहा हूँ, मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं कुछ, मतलब मैंने बाहर भी इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसे होते हैं लोग जो एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं, ऐसा हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उनके लिए शेड्यूल FA जाता है, हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि हमारे पास फॉरन एसेट्स कौन सी हैं, ठीक है, और इनकम कौन सी है। तो अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो मेरे को अपना शेड्यूल FA में फॉरन इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, मेरे को वहाँ से कोई भी डिविडेंड आया है, मेरी होल्डिंग कितनी है, ये सारा चीज़ें एट द ईयर एंड मेरे को डिस्क्लोज करनी पड़ती है अपने शेड्यूल FA में ITR फाइल करते हुए टाइम, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं, यानी कि हमें डेफिनेटली, ताकि आपकी जो पेनल्टीज़ और नॉन कंप्लायंसेस हैं वो सारी मिटिगेट हो जाए टोटली, अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं, आपके लिए जो बेस्ट ऑप्टिमाइज होगी टैक्स बेनिफिट वो आपको दी जाएंगी सर्विसेज, ठीक है, आपको सारी सर्विसेज बिल्कुल अच्छे से दी जाएंगी, DTAA की एडवाइजरी दी जाएगी, कंसल्टेंसी, रेसिडेंशियल स्टेटस, आपकी कोई भी इंक्वायरी है ना, A to Z आपको सारा हेल्प करेगा टेक्साज, फ्रॉम गेटिंग अ डॉक्यूमेंट्स टू द फाइलिंग, एंड नॉट इवन फाइलिंग, अगर फाइलिंग के बाद कल को कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, इनकेस, वैसे तो आती नहीं है, इनकेस अगर कोई भी, तो वी आर देयर फॉर द सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपने हमसे ITR फाइल करवाई है सपोज, और कल को आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गलत हो गया या आपने कोई डॉक्यूमेंट देना मिस हो गया है, तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई भी इनकम टैक्स साइड से नोटिस आता है या, तो हम उसमें हेल्प करते हैं, अगर हमारी वजह से कोई भी नोटिस आया है तो डेफिनेटली विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और डिटेल में आप लोगों को पता भी चला होगा कि इंटरनेशनल वर्कर्स के टैक्सेशन पे कैसे टैक्स लगता है, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करें। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए डिटरमिन के लिए ना, मैंने आपको बताया अभी, हमारे साइट पर जा सकते हैं आप, वहाँ पर नॉलेज बेस आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और इसके लिए हमारी अलग से वीडियो भी बनी हुई है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो टैक्सेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही और सपोर्ट दिखाइए, हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, 12.5K, दैट्स ह्यूज फॉर अस, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था वीडियो तो डेफिनेटली ऐसा नहीं सोचा था, बट अभी डेफिनेटली हमारे गोल्स आ गए हैं। तो थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए, और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, वी विल रिप्लाई, और हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारी साइट से। थैंक यू सो मच।